वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा वार दौरे के चौथे दिन भी एक अधिकारी उनकी नाराजगी का शिकार हुए। सूरजपुर के लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारी राकेश कुमार साव को निलंबित करने का आदेश दिया। चार दिन के दौरे में यह अधिकारी कर्मचारियों का सातवां निलंबन रहा। दरअसल सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ना होने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी राकेश कुमार साव को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही वहां के बीएमओ डॉक्टर प्रशांत सिंह और प्रभारी शत्रुघ्न भगत को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से बातचीत के मामले में दो टूक कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली पहले देश के संविधान पर विश्वास जताएं, नक्सली पहले हथियार छोड़े, उसके बाद ही उनसे बातचीत संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों का दिल जीता है, अब लोग वहां सड़कें बनाने और कैंप खोलने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार की नीति से अब नक्सली एक छोटे से क्षेत्र में कर रह गए हैं। दरअसल शुक्रवार को सुकमा में नक्सलियों ने पर्चे फेंक कर सरकार से बात करने की अपील की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री बघेल का ये बयान सामने आया। नक्सलियों ने कुछ पर्चा वहां फेंका है जिसमें उन्होंने बातचीत करने की शर्त रखी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले ही मैंने कहा है कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, उसके बाद किसी भी स्तर पे और किसी भी मंच में बात की जा सकती है। तो सबसे पहले जो मेरी शर्त है कि भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करते हैं या नहीं करते। 3.5 सालों में नक्सली अब सिमट के रह गए हैं।